अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं टेक्नो इन्फिनिटी। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी को फेसबुक की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप लोग फेसबुक की पूरी थीम को, थीम तो समझिए नहीं, पूरा फेसबुक ही चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। उसके कलर्स, उसके फॉन्ट्स और भी मतलब काफ़ी सारे बॉर्डर्स जैसे कि आप लोगों को देखेंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस है जो आप चेंज कर सकते हैं, और कलर भी, और बहुत सारे कलर हैं। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप ऐसा कर सकते हैं। बस आप लोगों को करना ये है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और बहुत ही अच्छा ये है, काफ़ी मतलब अगर आप फेसबुक का जो पुराना वाला इंटरफेस है उससे अगर बोर हो चुके हैं, तो ये काफ़ी अच्छा इंटरफेस है। नए नए कलर्स मिलेंगे आपको इसमें और नए नए कस्टमाइजेशन मिलेंगे, जिससे आप अपने फेसबुक को बहुत ही अच्छा और गुड लुकिंग बना सकते हैं। तो चलिए, बस बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन कर लिए, और उसके बाद बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दिए, ताकि मेरी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोग ये कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। तो आपको मैं बता दूँ, ये एक मैंने एक ऐप की मदद से किया है, उस ऐप का नाम है फैला फॉर फेसबुक। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लेकिन ये ऐप पेड है, तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाके सबसे पहले तो उस ऐप को डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद अपने फेसबुक अकाउंट से उसमें लॉगिन करिए। अब यहाँ पे आप जब सेटिंग्स में इसकी आएंगे, तो सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शन मिलेंगे, फंक्शन मिलेंगे। आप जैसे कलर पर आएंगे तो बेपनाह कलर है इसमें, और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्राइट गुड लुकिंग कलर्स हैं, जिनको आप सेलेक्ट करके अपने फेसबुक को भी बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं। और यहाँ पर एक और उसके अंदर ऑप्शन है, जैसे देखिए कि चाहे तो सिर्फ आप हेडर में कलर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो हेडर का टेक्सचर है उसको भी चेंज कर सकते हैं, लाइंस में, फैब्रिक में, या फिर मार्बल्स, बहुत तरीके के टेक्सचर वहाँ पे 6-7 तरीके के अवेलेबल हैं वहाँ पे। आप जो सा चाहें सेलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसके अंदर कस्टम फॉन्ट्स भी लगा सकते हैं, और फॉन्ट्स के साथ साथ उनके कलर को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कलर को भी चेंज कर सकते हैं। और इसके जो बॉर्डर्स बन के आ रहे हैं, मैंने तो अभी जैसे यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा ग्रूवी बॉर्डर सेलेक्ट किया हुआ, अभी मैं वो नीचे में दिखेगा आप लोगों को, यहाँ पे फॉन्ट्स हैं, और बॉर्डर को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, शायद चाहे तो डॉटेड सेलेक्ट कर लें, या डैश डैश जो बनाया था बहुत सारा वो सेलेक्ट कर लें, टेक्स्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें फ़ीचर्स हैं, और जो आपके जो ऊपर मेन्यू बन के आ रहा है, जिसमें आपका नोटिफिकेशन फीड्स और मैसेजिंग वाला जो मेन्यू होता है, उसका नेविगेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। ये बॉटम नेविगेशन क्या लिखा है, बॉटम नेविगेशन, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जाकर के इसका नेविगेशन भी। अब वो जो है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर से आपका जो मेन्यू है वो नीचे देखिए चेंज हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, आप लोगों को बस लिंक को फॉलो करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड करिएगा, और आप फिर इसको इन्जॉय करिएगा। काफ़ी अच्छा है आपको चलाने में, मैं पक्का बता रहा हूँ, मज़ा आएगी इसमें। मेरे फ़ोन में अभी इस टाइम स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और नेट भी ऑन है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को, और नेट मेरा थोड़ा स्लो भी चल रहा है, इस वजह से थोड़ा स्लो लोडिंग हो रही है इसमें। आप लोग जब अपना करेंगे तो आपका स्मूथली रन करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी रन करने में। और जब आप इसमें साइन अप करेंगे, सॉरी, जब आप इसमें साइन इन करेंगे, तो आप लोगों को वहाँ पे उससे पहले दिखाएगा कि ये जो ऐप है पूरी तरीके से सिक्योर और सेफ़ है, आप लोगों को कोई भी इसमें डेटा आपका जो है वो स्टोर नहीं करेगा, ये इसमें दिखाएगा। तो अगर आप लोगों का मन हो तो करिए, क्योंकि ऐप वैसे भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और जो भी प्ले स्टोर पर ऐप होता है वो पहली बात है वेरीफाइड ही होता है, इस वजह से उसमें कोई इतना प्रॉब्लम का इतना बड़ा कोई इशू होता नहीं है। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये ऐप है, और लेटेस्ट रिलीज़ भी हुआ है, और मैंने भी वीडियो भी अभी लेटेस्ट ही अपलोड करी है। तो बस।